हेलो एवरीवन, जैसा कि आप देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर कहा जा रहा है कि आपको दूसरे चरण भी आएगा जिसमें जो है 6 to 8 के लिए जो है बहाली निकाली जाएगी। तो ख़ास करके जो है आपका उन बीएड अभ्यर्थियों के लिए जो है बेहतर होगा जो लोग जो है इस बहाली से वंचित रह रहे हैं, यानी कि जो बीएड किए हैं और सिर्फ उनका जो है प्राइमरी के लिए जो है एलिजिबल थे, तो उनको अब एनसीटी के द्वारा जो है बाहर कर दिया गया। ऐसे में जो है काफ़ी जो है अभ्यर्थी जो है नाराज़ हैं, हताश हैं। तो उनके लिए ये जो है अभी अखबार में जो है ये दिया गया है। बाकी ये जो चीज़ें जो है आपको एक्सपर्ट के मुताबिक यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है, आप लोग इसको एक बार आराम पूर्वक रीड कर लीजिएगा आराम से वीडियो को रोक करके, क्योंकि हमारे पास उतना ज़्यादा अभी समय नहीं है कि मैं इसको एक्सप्लेन करूँ। आपके पास अगर ये अखबार नहीं है तो इसको वीडियो को रोक करके आराम से एक एक पॉइंट को पढ़ करके समझ लीजिएगा। तो हो सकती है ऐसा इस बार अगर सीट फुल नहीं होता है बीपीएससी के द्वारा, तो जो है सेकंड चरण में दोबारा से आपका जो है 6 to 8 के लिए भी बहाली रहेगा और एसटीईटी 2023 में जो एक परीक्षार्थी भाग लेंगे और सफल होंगे उनके लिए जो है बहाली निकल करके आएगा, यानी कि आपका इसी साल के अंत तक। तो धन्यवाद।